SIDBI, आज हम दोस्तों SIDBI के बारे में पढ़ेंगे। तो SIDBI की फुल फॉर्म होती है आपके पास स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये डेवलपमेंट बैंक होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। जितनी भी आपके पास इंडिया में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाया जाता है, इसी को हम कहते हैं SIDBI। अभी डेवलप कब हुआ था दोस्तों, ये 2 अप्रैल 1990 को अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के अंडर ये डेवलप हुआ था। बस आपको यहाँ पे इसकी डेट याद रखनी है, बाकी सारा कंसेप्ट इसकी फुल फॉर्म से पता लग जाएगा आपका। इस ये फुल फॉर्म आपकी सारे कंसेप्ट में घूमेगी। देखो कैसे SIDBI का काम क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला काम होता है इसके पास प्रमोशन करना, फाइनेंसिंग के लिए होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइज सेक्टर्स, यानी कि जितने भी आपके छोटे छोटे एंटरप्राइज सेक्टर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए SIDBI का काम होता है दोस्तों। जैसे कि आपको यहाँ से डेफिनेशन से पता लग रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, यानी कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें एक बिजनेस डोमेन होती है दोस्तों SIDBI की, उसका नाम है MSME। अब इस MSME की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका काम क्या होता है दोस्तों MSME का, MSME आपका एक इंपॉर्टेंट पिलर होती है ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है, एज इट कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि ये इंडिया इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत बड़ा सहयोग देती है। कंट्रीब्यूट्स का मतलब सहयोग देना, तो ग्रोथ का मतलब इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ कब होगी दोस्तों, जब आपके जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी, छोटे छोटे सेक्टर्स होंगे, उनकी ग्रोथ होगी, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होगी, तभी तो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। जैसे कि आपको यहाँ से डेफिनेशन से पता लग रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, तो आपने सिर्फ यहाँ पे इसको घुमा फिरा के लग दिया कि MSME जो इसकी बिजनेस डोमेन होती है उसका काम भी ग्रोथ करना होता है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दोस्तों SIDBI के, 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है इसके पास फाइनेंसिंग, ठीक है, एक होता है प्रमोशन करना, एक होता है डेवलपमेंट, एंड एक होता है आपके पास कोऑर्डिनेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, प्रमोशन करना, फाइनेंसिंग करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है, ये था आपके पास। अब फंक्शंस क्या होते हैं SIDBI के, पहला फंक्शन होता है इसका प्रोवाइड फॉरन करेंसी लोन, यानी कि ये आपको लोन प्रोवाइड करती है, जितने भी आपके छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनको चलाने के लिए आपको ये लोन प्रोवाइड करती है। दूसरा होता है प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो भी छोटे छोटे आपके बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दोस्तों, उनके छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए भी उनको ये सहायता प्रदान करती है, यानी कि उसको लोन दे देती है, ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों आपके पास लोन ग्रांटेड फॉर न्यू SSI प्रोजेक्ट, जितने भी आपके SSI प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए लोन ग्रांट करती है दोस्तों। चौथा होता है लोन सैंक्शनड बाय SIDBI टू स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस दोस्तों, स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के लिए, इसका मतलब होता है दोस्तों आपका मंजूरी देना, सैंक्शन का मतलब होता है आपके पास मंजूरी देना, ये मंजूरी देती है जितने भी आपके छोटे छोटे रोड होते हैं उनके ऑपरेशंस के लिए, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम होती है, यानी कि इनकी डेवलपमेंट के लिए इनको लोन प्रोवाइड करती है, इनको पैसा देता है दोस्तों। तो SIDBI के कंक्लूजन में हमारा सिर्फ यही हुआ कि SIDBI का काम क्या होता है, जितनी भी आपकी इंडिया में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए काम आता है। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए अगर आपको कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।